हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द एडुक्राफ्टर। आज हम लोग अपने न्यू टॉपिक वर्नियर कैलिपर को शुरू करेंगे। बच्चों, वर्नियर कैलिपर की खोज पियरे वर्नियर ने की थी। वर्नियर कैलिपर्स के इन्वेंशन के पीछे मेन कारण यह था कि मीटर स्केल से हम लोग 1 mm तक के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर तक के मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मगर इससे कम के डिस्टेंस को मेजर करने में मीटर स्केल से हमें दिक्कत हो रही थी। इस कारण पियरे वर्नियर ने वर्नियर कैलिपर्स की खोज की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मीटर स्केल में 1 सेंटीमीटर 10 equal parts में डिवाइडेड होता है। 1 सेंटीमीटर यानी ये डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm कहलाता है। तो इस 1 mm से मिनिमम डिस्टेंस को हम, इससे कम डिस्टेंस को हम मीटर स्केल से नहीं मेजर कर सकते हैं। इस कारण मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट है वह 1 mm है या 1 mm है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके बीच में लाई कर जा रहा है या 0.1 और 0.2 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर जा रहा है, तो इस डिस्टेंस को निकालना मीटर स्केल के थ्रू मुश्किल है। 0.1 सेंटीमीटर तो हमें पता है, लेकिन यह डिस्टेंस कितना है यह पता करने के लिए ही वर्नियर कैलिपर्स की खोज की गई। वर्नियर कैलिपर्स में एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल स्लाइड्स ओवर द मेन स्केल, स्क्रू के थ्रू जो है स्क्रू को लूज करके हम वर्नियर स्केल को स्लाइड कराते हैं। टू जॉज मेन स्केल से अटैच्ड होता है जो कि फिक्स्ड होता है, और टू जॉज वर्नियर स्केल से अटैच्ड होता है जो कि मूवेबल होता है मेन स्केल पर। व्हेन टू जॉज आर कांटेक्ट आर इन कांटेक्ट टू ईच अदर, जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। इन दिस केस हम कहते हैं कि अपरेटस में किसी भी प्रकार का जीरो के कारण कोई एरर उत्पन्न नहीं हुआ है, एराइज नहीं हुआ है। इस कारण इसे हम लोग नो जीरो एरर या जीरो फ्री एरर अपरेटस कहते हैं। अपरेटस के घिस जाने से इसमें जीरो के कारण एरर भी उत्पन्न होता है। लोअर जॉस का काम है कि वह एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करे, और अपर जॉस का काम है कि वह इंटरनल डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करे। एक स्ट्रिप होती है जो कि मेन स्केल से अटैच्ड होती है। जब टू जॉस कॉन्टेक्ट में होते हैं तो स्ट्रिप अंदर की ओर रहती है, और जब टू जॉस को हम लोग ओपन करते हैं, उसके मुंह को ओपन करते हैं, तो स्ट्रिप बाहर की ओर निकलती है, और उस स्ट्रिप का यूज डेप्थ ऑफ अ वेसल को कैलकुलेट करने में किया जाता है। मोटा मोटी यही वर्नियर कैलिपर्स की संरचना है। और उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग कैसे लेते हैं और इसका लिस्ट काउंट क्या है यह जानना जरूरी है। देखिए, यह हमारा मेन स्केल है और यह हमारा वर्नियर स्केल है। मेन स्केल का 9 divisions इक्वल टू वर्नियर स्केल का 10 divisions। इससे क्लियर होता है कि वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से छोटा है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी वर्नियर स्केल का डिवीजन भी मेन स्केल के डिवीजन से बड़ा हो सकता है। तो 9 divisions जो हमारे केस में 9 divisions इक्वल टू 9 divisions ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 10 divisions ऑफ वर्नियर स्केल है। यह लेंथ तो बराबर ही है, मेन स्केल के 9 divisions में वर्नियर के 10 divisions समा जा रहे हैं।
तो हम लोग लिख सकते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.9 मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन हमें पता है कि 1 mm होता है, तो 0.9 mm। अगर इस डिस्टेंस को x कहें और इस डिस्टेंस को y, मेन स्केल के डिवीजन को x और वर्नियर स्केल के डिवीजन को y कहें, तो इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा लिस्ट काउंट है, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा लिस्ट काउंट है। दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो x माइनस वाई इक्वल टू लिस्ट काउंट, x क्या है 1 मेन स्केल डिवीजन, y क्या है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इक्वल टू 1 mm माइनस 0.9 mm जो कि 0.1 mm के बराबर होगा या 0.01 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट इसे कहते हैं, लिस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। इस केस में 0 मेन स्केल इज कोइंसाइडिंग विद 0 वर्नियर स्केल, तो अभी जो एपरेटस है इसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं है, नो जीरो एरर, जीरो के कारण किसी भी प्रकार का एरर एराइज नहीं है, और 9 मेन स्केल ऑफ डिवीजन 10 वर्नियर स्केल ऑफ डिवीजन के बराबर है। 9 मेन स्केल में ही 10 वर्नियर स्केल समा जा रहा है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.9 mm, और 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। मान लेते हैं कि वर्नियर स्केल का 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स्थ डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, सिक्स्थ डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। सेवेंथ डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, सेवेंथ हो रहा है, सेवेंथ डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है।
ये थोड़ा कम होगा डिवीजन, इसका कम होते जाएगा कम होते जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवेंथ डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो हमें यह तो पता है कि ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1 सेंटीमीटर है। और जिस ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हमने फंसाया लोअर जॉज में, स्क्रू को लूज किया, वर्नियर कैन स्केल स्लाइड हुआ और वर्नियर स्केल यहां पर आया, स्क्रू को टाइट किया और अब लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ए बी। तो बच्चों यह क्लियर है कि ए बी इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है 0.9 सेंटीमीटर से, यानी हमें यह डिस्टेंस चाहिए। अगर हमें यह डिस्टेंस मिल जाता है, इतना सा डिस्टेंस, यह डिस्टेंस अगर हमें मिल जाता है तो हम इसका लेंथ को मेजर कर सकते हैं। यह डिस्टेंस क्या है, एक्स है, मेन स्केल का डिवीजन हम एक्स माने हुए हैं, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन एक्स, कितना हो जाएगा सेवन एक्स। और इस डिस्टेंस को हमने वाई माना हुआ है, वर्नियर स्केल के डिविजन्स को अगर वाई मानते हैं तो वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वाई वाई वाई, तो ये हमारा कितना है सेवन वाई। अगर सेवन एक्स में सेवन वाई अगर इस डिस्टेंस को घटा दें तो इतना सा डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। यह क्लियर है पिक्चर से। और बच्चों एक्स माइनस वाई बराबर, मैंने जैसा पहले बताया था क्या होता है, वन लिस्ट काउंट, वन लिस्ट काउंट, एक्स माइनस वाई बराबर वन लिस्ट काउंट। अगर आप दोनों साइड सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू सेवन लिस्ट काउंट, सेवन लिस्ट काउंट। तो 7x माइनस 7y के स्थान पर हम लिख सकते हैं 0.9 प्लस 7 लिस्ट काउंट और 1 लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो यह हो जाएगा 0.90 प्लस 0.07 इक्वल टू 0.97 सेंटीमीटर। तो एबी का एग्जैक्ट लेंथ निकल गया 0.9 सेंटीमीटर, 0.97 सेंटीमीटर। अब आप अगर इस चीज को गौर से देखें, अब अगर आप इस चीज को गौर से देखें, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7x माइनस 7y जो कि 7 लिस्ट काउंट है। 0.9 क्या है, मेन स्केल का रीडिंग है, 0.9 क्या है, मेन स्केल का रीडिंग है। तो एबी टोटल रीडिंग बराबर क्या हो गया, मेन स्केल का रीडिंग बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल के जीरो से पहले जो मेन स्केल का रीडिंग है उसे हमने लिया, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग विच इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, वर्नियर स्केल रीडिंग विच इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। वर्नियर स्केल का कौन सा रीडिंग मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, सेवन, सेवेंथ रीडिंग कोइंसाइड कर रहा है जो कि हमने यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। तो इस तरीके से हमारा टोटल रीडिंग का फॉर्मूला डेराइव हो जाता है, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला डेराइव हो जाता है जो कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। यहाँ पर बच्चों हमें सिर्फ यह ध्यान रखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा रीडिंग मेन स्केल के रीडिंग से कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल का कौन सा रीडिंग मेन स्केल के रीडिंग से कोइंसाइड कर रहा है उसको यहाँ पे रखना है, मेन स्केल रीडिंग रखना है बिफोर लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जो मेन स्केल रीडिंग है उसे रखना है और मल्टीप्लाइड बाई एलसी कर देना है।
इस केस में किसी भी प्रकार का एरर नहीं है एपरेटस में, नो जीरो एरर, नो जीरो एरर, एरर फ्रॉम फ्री एरर है, फ्री जीरो जीरो एरर है, नो जीरो एरर। क्यों? क्योंकि अगर इस टू जॉस को हम लोग कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड करता है, और जब ऑब्जेक्ट को फंसाया हमने एग्जैक्टली जीरो जहां पर गया, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है जब टू जॉस को कॉन्टेक्ट में लाया जाए। तो देखिए हमने फिर से एक बार समझिए इसे किस तरीके से निकाला है। एबी को 0.9 तक तो क्लियर था लेंथ, इस लेंथ को निकालना था, इस लेंथ को निकालना था, इस टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को मैंने घटा दिया जो कि 7x-7y हुआ, और 7x-7y इस इक्वेशन को दोनों साइड 7 से गुना करने पर 7LC होगा, 6 से गुना करने पर 6LC होगा, 4 से गुना करने पर 4LC होगा, क्योंकि हमारा वर्नियर स्केल का 7th रीडिंग इससे टकरा गया है मेन स्केल के रीडिंग से, तो ये 7LC हो गया, या 7LC हो गया, और 7x-7y तो ये टोटल 7x हो जाता है, ये 7y हो जाता है, 7x-7y इक्वल टू 7LC, और इस प्रकार से हमारा टोटल रीडिंग का फॉर्मूला डेराइव हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इस दोनों के बीच में वन लिस्ट काउंट का डिफरेंस है, इस दोनों के बीच में यहाँ पर ये सेकेंड मेन स्केल और सेकेंड वर्नियर स्केल के बीच में अब टू लिस्ट काउंट का डिफरेंस हो गया, थ्री लिस्ट काउंट का डिफरेंस हो गया, फोर लिस्ट काउंट का, फाइव लिस्ट काउंट का, सिक्स लिस्ट काउंट का, और सेवेंथ लिस्ट काउंट का डिफरेंस हो गया। ये सेवेंथ का हो गया, ये सिक्स का, ये सेवेंथ लिस्ट काउंट, सिक्स लिस्ट काउंट, फाइव लिस्ट काउंट, फोर लिस्ट काउंट, थ्री लिस्ट काउंट, टू लिस्ट काउंट, और ये वन लिस्ट काउंट, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस है ही नहीं, वर्नियर स्केल और मेन स्केल कोइंसाइड कर गया। ये जो डिस्टेंस है ये सेवेंथ लिस्ट काउंट का है, सेवेंथ लिस्ट काउंट का डिस्टेंस है यह डिस्टेंस, और यह डिस्टेंस आपका कितने का है, सिक्स लिस्ट काउंट का, यह डिस्टेंस कितने का है, फिफ्थ लिस्ट काउंट का, यह डिस्टेंस कितने का है, फोर्थ लिस्ट काउंट का, यह डिफरेंस कितने का है, थ्री लिस्ट काउंट का, यह टू लिस्ट काउंट का, और यह वन लिस्ट काउंट का। तो इस तरीके से हम लोग टोटल रीडिंग को निकाल सकते हैं और रीडिंग ऑफ ए वर्नियर कैलिपर को समझते हैं। अब बच्चों जैसा कि मैंने बोला, यह कोई जरूरी नहीं है कि जब टू जॉस को कॉन्टेक्ट में लाया जाए तो मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से कोइंसाइड करे। यह एक आइडियल सिचुएशन है, और यह एपरेटस अगर में किसी भी प्रकार का एरर जीरो के कारण उत्पन्न नहीं हो रहा है, फ्री फ्रॉम जीरो एरर एपरेटस है, तो ऐसा केस होता है। लेकिन जनरली जब लेबोरेटरी में एपरेटस के यूज होने से, घिस जाने से, जीरो ऑफ मेन स्केल doesn't coincide with zero of vernier scale, और vernier scale का zero coincide नहीं करता है, either left side में पड़ जाता है main scale के, या right side में पड़ जाता है main scale के, तो इस स्थिति में zero error उत्पन्न होता है। तो हम लोग देखेंगे दो प्रकार के zero error उत्पन्न होते हैं और उन्हें समझेंगे। One zero error कहलाता है positive zero error, और एक नेगेटिव जीरो एरर। वन बाय वन समझेंगे पॉजिटिव जीरो एरर किसे कहते हैं। अगर यह हमारा वर्नियर स्केल है
इतना नहीं होगा, इतना। यह हमारा वर्नियर स्केल है, यह हमारा मेन स्केल है। अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल राइट साइड होगा जीरो ऑफ मेन स्केल के राइट साइड, तो इस प्रकार के एरर को हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज राइट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल, देन दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। तो जब टू जॉल्स को कॉन्टेक्ट में लाया जाता है तो ऑलरेडी इतना का डिस्प्लेसमेंट दिखाता है दोनों जीरो के बीच में, मेन स्केल के जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो के बीच में। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मापेंगे तो अगर उसका एक्चुअल लेंथ फोर नापने के बाद 4 सेंटीमीटर आए, उसका लेंथ अगर सपोज दैट 4 सेंटीमीटर आए, तो जो और चूंकि यह एरर के कारण वो 0.0 या तो 0.1 सेंटीमीटर है या 0.1 सेंटीमीटर है, तो यह 0.1 सेंटीमीटर से कम कोई भी डिस्टेंस हो, कोई भी डिस्टेंस हो, तो वह डिस्टेंस इसमें जुटा हुआ है, वह डिस्टेंस इसमें जुटा हुआ है, फोर में जुटा हुआ है, तो उस डिस्टेंस को इस फोर से माइनस करना पड़ेगा, इस फोर में माइनस करना पड़ेगा, उस डिस्टेंस को इस फोर में फोर से माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इन दिस केस वी हैव टू डिक्रीज, इन दिस केस वी हैव टू डिक्रीज द लेंथ arises due to zero error due to positive zero error. In this case we have to decrease the length arises due to positive zero error from measured length. तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा, एक्चुअल लेंथ होगा मेजर्ड लेंथ माइनस दिस डिस्प्लेसमेंट, माइनस ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो रीडिंग करने पर ये जो लेंथ, यह तो लेंथ आएगा, इस लेंथ को माइनस करना पड़ेगा आपको, माइनस ये आपको जो है तो लिखना पड़ेगा माइनस जीरो माइनस लेंथ arises due to zero error, या जो zero error के कारण जो length आपको arise होगा, या आपको लिखना पड़ेगा, मतलब कि यह zero correction करना पड़ेगा, correction में जो है तो जो भी zero error के कारण जो length आएगा, जो भी zero error के कारण जो length आएगा extra, ये वाला जो length है measured length माइनस लेंथ arises due to zero error, इस चीज को समझना है, लेंथ arises due to zero error कहने का मतलब इस लेंथ को माइनस करना पड़ेगा, इस लेंथ को पॉजिटिव जीरो एरर के केस में इस लेंथ को आपको माइनस करना पड़ेगा।
देखिए इसे समझिए, वर्नियर स्केल जब इस प्रकार से टू जॉस को कॉन्टेक्ट में रखा गया, रखने के बावजूद वर्नियर स्केल का जीरो मेन वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का जीरो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहा है जबकि जॉस कॉन्टेक्ट में है, तो यह लेंथ जब भी वैसे एपरेटस का हमें यह लेंथ पता होना चाहिए, यह डिस्प्लेसमेंट हमें पता होना चाहिए, और यह डिस्प्लेसमेंट पता है तब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर देंगे, और इंसर्ट करने के बाद उसका जो भी लेंथ आए उस लेंथ में से हमें यह डिस्टेंस पता है उसे माइनस करके एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। मेन स्केल का डिवीजन एक्स हमने माना हुआ है तो यह 4x है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 4x है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 4y है, तो 4x माइनस 4y करने पर क्या हमें यह डिस्टेंस पता चल जाएगा? यह डिस्टेंस हमें इजिली पता चल जाएगा, 4x माइनस 4y करने पर हमें यह डिस्टेंस इजिली पता चल जाएगा, और इस तरीके से जो है सो हम ये डिस्प्लेसमेंट को पता कर सकते हैं, यह कितना से डिस्प्लेस है, यह कितना से डिस्प्लेस है, और मेजर लेंथ को निकालने के बाद हम इस लेंथ को जो कि जीरो एरर के कारण, पॉजिटिव जीरो एरर के कारण जो एराइज हो रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर आप यहां लिख सकते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर के कारण जो एराइज हो रहा है उसे माइनस कर देंगे और हमें एक्चुअल लेंथ निकल जाएगा। एक्चुअल लेंथ इक्वल टू जो मेजर लेंथ निकालेंगे और उसमें माइनस कर देंगे, लेंथ एराइजेस due to positive zero error, length arises due to positive zero error के कारण जो length है उस length को हम लोग इसमें से minus कर देंगे। निगेटिव जीरो एरर में बच्चों वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में शिफ्ट रहता है जब टू जॉस कॉन्टेक्ट में रहे, और मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो में लेफ्ट मेन स्केल के जीरो के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में रहे, लेफ्ट वार्ड टू मेन स्केल जीरो रहे, तो इस केस में हम इस केस को हम लोग निगेटिव जीरो एरर कहते हैं। यानी जितना डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट को इस केस में हमें ऐड करना पड़ेगा एक्चुअल लेंथ में, क्यों? क्योंकि यह ऑलरेडी निगेटिव साइड जीरो के निगेटिव साइड की ओर है, यह निगेटिव साइड की ओर है जीरो के, इस कारण जो भी लेंथ आएगा मेन स्केल पर अगर वह लेंथ 4 है, और चूंकि ऑलरेडी यह अगर इस साइड में कुछ डिस्प्लेसमेंट से शिफ्टेड है लेफ्ट वार्ड, तो 4 हमारा रॉन्ग लेंथ बता रहा है, उसमें हमें प्लस ये डिस्प्लेसमेंट जोड़ना पड़ेगा, यह डिस्प्लेसमेंट जोड़ना पड़ेगा। इन दिस केस
वी हैव टू इंक्रीज द लेंथ द डिफरेंस इन arises due to negative zero error in measured length. In this case we have to increase the length arises due to negative zero error in measured length. इस negative zero error के कारण जो length arise हुआ है, यहाँ पर इस length को जोड़ना होगा, तो actual length क्या हो जाएगा? Actual length equal to measured length plus length arises due to निगेटिव जीरो एरर. जीरो एरर के कारण लेंथ निगेटिव में राइज हो रहा है, जिसका जीरो करेक्शन होगा. कहने का मतलब क्या, निगेटिव ऑफ द जीरो एरर तो पॉजिटिव हो जाएगा. मेजर्ड लेंथ प्लस लेंथ अराइजेस ड्यू टू निगेटिव जीरो एरर. तो कहने का मतलब है कि निगेटिव जीरो एरर में जो डिफरेंस है उसे हम लोग एड करेंगे मेजर्ड लेंथ में एक्चुअल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, और पॉजिटिव जीरो एरर में एक्चुअल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए मेजर्ड वैल्यू में से उतने लेंथ को डिक्रीज करेंगे. जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 वाई है वर्नियर स्केल का डिवीजन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये यहां पर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप देखिए यह हमारा 4y है. और यह डिस्टेंस थोड़ा कम होगा, यह डिस्टेंस इससे भी थोड़ा कम होगा. जब जीरो मेन स्केल जीरो वर्नियर स्केल से कोइंसाइड रहता है तब 1 LC का डिफरेंस रहता है, 1 LC का डिफरेंस रहता है. तो अगर मैं इसे थोड़ा सा स्लाइड करूं इधर तो ये
जितने डिस्प्लेसमेंट के साथ इधर शिफ्ट होगा ये उससे थोड़ा कम होगा, यह उससे थोड़ा कम होगा। वन टू तो यहां हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7। सेवन या एट कोई भी इससे आकर के मिलेगा, ये इतना पर है, ये इतना पे रहेगा और ये यहाँ पर आकर के मिल जाएगा। एट वर्नियर आकर के मिल रहा है, सपोज दैट एट वर्नियर आकर के मिल रहा है। ये जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है तो ये 1 LC है और यहाँ पर का डिस्टेंस 2 LC होगा, तो 1 LC जितना खिसकेगा उससे थोड़ा कम ये खिसकेगा। कहने का मतलब यह है कि यह धीरे 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 सटते जाएगा, जैसे यह अगर इतना खिसका है या इससे थोड़ा सा कम और या इससे थोड़ा सा कम या इससे भी थोड़ा सा कम, ये डिस्टेंस घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा और घटते जाएगा। यहां से हम समझ सकते हैं अगर इसे मैं बहुत थोड़ा सा खिसका हूं तो इस डिस्टेंस में से अगर ये कांस्टेंट डिस्टेंस को घटाएंगे तो ये चूंकि इससे कम है ये ज्यादा है इस डिस्टेंस से ये लिस्ट काउंट, तो यह थोड़ा कम खिसकेगा। इसके आगे वाला प्री लिस्ट काउंट है वह इधर इससे थोड़ा कम खिसकेगा थोड़ा कम खिसकेगा थोड़ा कम खिसकेगा और इस तरीके से मान के चलिए एट्थ वर्नियर स्केल जो है सो मेन स्केल से कोइंसाइड कर जा रहा है, एट्थ कर जा रहा है इस केस में। तो यहाँ पर ये टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यह है 8Y और यह कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यह है 8X। तो 8Y माइनस 8X बराबर हम लिख सकते हैं, हमें पता है x माइनस वाई बराबर 1 LC, तो 8x माइनस 8y इक्वल टू 8 LC। तो 8y और माइनस 8x इक्वल टू माइनस 8 LC लिस्ट काउंट। तो इस प्रकार से जब आप निगेटिव जीरो एरर निकालिएगा, जब आप निगेटिव जीरो एरर निकालेंगे, इसका भी रीडिंग निकालने का यही तरीका है, निगेटिव जीरो एरर निकालेंगे तो जीरो मेन स्केल रीडिंग में, जीरो क्या है मेन स्केल रीडिंग में, जीरो चूंकि लेफ्ट में पड़ गया है तो मेन स्केल रीडिंग जो है सो हमें स्वाभाविक है कि इस साइड ही लेना पड़ेगा, इधर तो कोई रीडिंग है नहीं तो वो जीरो आ जाएगा। और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग विच इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, बस 8 वर्नियर स्केल रीडिंग इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल आपको है इनटू लिस्ट काउंट, इनटू लिस्ट काउंट। तो यहां पर निगेटिव जीरो एरर के केस में ये आपका माइनस 8 LC होगा, यहां पर आप देख सकते हैं 8y माइनस 8x इक्वल टू माइनस 8 LC हो जाएगा स्वाभाविक है। अगर इसे मैं रिवर्स करूंगा तो यहां पर निगेटिव एरर के केस में आपका ये माइनस 8 इंटू 0.01 निकल गया, तो माइनस 0.08 आपका निगेटिव जीरो एरर है। और जब भी आप किसी भी चीज का एक्चुअल लेंथ जो भी आ रहा है ऐसे अपरेटस में जिसमें निगेटिव जीरो एरर है तो मेजर्ड लेंथ निकालने के बाद आप इस लेंथ को जोड़ देना है, ये माइनस में आएगा निगेटिव जीरो एरर
और जीरो करेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो करेक्शन हो जाएगा आपको, जीरो करेक्शन कहलाएगा इसमें, जीरो करेक्शन प्लस 0.08 जो कि आपको करना है। लेंथ अराइजेस ड्यू टू नेगेटिव जीरो एरर जो कि -0.08 है उसे जोड़ना है। तो बच्चों इसमें हमें सिर्फ यह ध्यान देना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा रीडिंग मेन स्केल के रीडिंग से कोइंसाइड कर रहा है। अगर आप सिर्फ इतनी बातों को समझ रहे हैं तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की भी आपको जरूरत नहीं है कि कैसे शिफ्टिंग हो रहा है, कैसे ये थोड़ा कम, ये थोड़ा इससे कम इधर खिसकेगा, ये थोड़ा इससे कम खिसकेगा, ये थोड़ा इससे कम, ये थोड़ा इससे कम, इसके कम, इसके कम, और इससे, इस तरीके से दिमाग लगा करके इतना करने का भी जरूरत नहीं है। अगर आप निगेटिव जीरो एरर को समझ रहे हैं, पॉजिटिव जीरो एरर को समझ रहे हैं और फॉर्मूला को जान रहे हैं कि टोटल रीडिंग स्केल, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग विच इज कॉइंसाइडिंग विद मेन स्केल मल्टीप्लाइड बाई एल सी, इन केस ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर वी हैव टू डिक्रीज द लेंथ अराइजेस ड्यू टू पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि वो लेंथ ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो बढ़ा कर लेंथ बताएगा एक्चुअल लेंथ का। तो एक्चुअल लेंथ निकालने में मेजर्ड लेंथ में से उस लेंथ को घटा देना है निगेटिव जीरो एरर के में केस में, या घटा करके बताएगा क्योंकि ये निगेटिव साइड में है जीरो के, लेफ्ट वार्ड है जीरो के। तो इस केस में हमको एक्चुअल लेंथ में मेजर्ड लेंथ प्लस लेंथ अराइजेस ड्यू टू निगेटिव जीरो एरर करना है। निगेटिव जीरो एरर के कारण जो लेंथ अराइज हुआ है इस लेंथ को हमको मेजर लेंथ में जोड़ देना है। निगेटिव जीरो एरर के कारण लेंथ मेरा क्या अराइज हुआ, -0.08 सेंटीमीटर, तो मैंने जोड़ने के लिए कहा है निगेटिव जीरो एरर किस में आया है, निगेटिव में आया है क्योंकि ये निगेटिव साइड में है, किस साइड में है, -0.08 सेंटीमीटर किधर है, यह इस साइड में है, मेन स्केल के लेफ्ट में है 0.08 सेंटीमीटर। तो 0.08 सेंटीमीटर यह ऑलरेडी निगेटिव साइड में है तो इसे जोड़ना पड़ेगा। अगर मान के चलिए ऐसा एरर का कोई एपरेटस हो, अगर अब हम ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करें और मेरा 4 सेंटीमीटर लेंथ है, 4 सेंटीमीटर लेंथ है और मेजर करने के बाद, तो क्या यह मेरा एक्चुअल लेंथ है, नहीं, यह मेरा तो मेजर्ड लेंथ है 4 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ क्योंकि हमारा इस एरर के, इस एपरेटस में एरर निगेटिव जीरो एरर कितना है, -0.08 है, तो इसे जीरो करेक्शन करना पड़ेगा हमें। तो इसका जो एक्चुअल लेंथ होगा, एक्चुअल लेंथ होगा या मेजर्ड लेंथ प्लस 0.08 सेंटीमीटर है, ये है इसका 4.08 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ है। क्योंकि जीरो, क्योंकि 0.08 ऑलरेडी लेफ्ट में है, इस कारण ये मुझे 0.08 से कम लेंथ बता रहा है ऑब्जेक्ट का। एक्चुअल मेजर्ड जो है वो तो दिखाएगा कि 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, लेकिन चूंकि हमें पता है कि इस एपरेटस में एरर है और यह 0.08 लेफ्ट वार्ड में है, तो उस एरर को दूर करने के लिए हमें उसमें 4.08 सेंटीमीटर करना होगा प्लस 0.08 जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हम जोड़ देंगे तो यह हमारा एक्चुअल लेंथ, यह है हमारा एक्चुअल लेंथ, यह है हमारा एक्चुअल लेंथ, क्योंकि उसमें जो स्केल है उसमें तो 4.08 को 4 सेंटीमीटर ही बताएगा, क्योंकि यह जीरो ऑलरेडी इस साइड लेफ्ट वार्ड मेन स्केल के लेफ्ट वार्ड जो है सो वह शिफ्ट है। तो एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए इस केस में 4 + 0.08 करेंगे और हमारा एक्चुअल लेंथ निकल जाएगा 4.08 सेंटीमीटर। तो बच्चों यह वर्नियर कैलिपर्स का हमने कॉन्सेप्ट देखा यहाँ पर, इसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। फर्स्ट थिंग कि इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, सेकेंड थिंग कि एपरेटस में अगर एरर हो जाए तो उस स्थिति में लेंथ या डायमीटर को कैसे निकालते हैं। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें और फॉर्मूला पर फोकस करें तो वर्नियर कैलिपर्स के किसी भी सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।